आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप खुद को अपने अंदर खुशी और स्पष्टता के क्षण तक लाएं, उस क्षण आप जो निर्णय लेते हैं चाहे आप मर भी जाएं, आपको वही करना चाहिए जब भी आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है आपका मन कई चीजें कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है वो आज एक बात कहता है सुबह एक बात शाम को कुछ और वो आज एक बात कहता है और कल दूसरी बात यह कोई महत्व नहीं रखता स्पष्टता के क्षण में मैं खुशी कह रहा हूं क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप बाध्य नहीं होते जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं उस समय अगर आप चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये करना मेरे लिए बेहतर होगा बस वही करें फिर चाहे वो नर्क जैसा ही लगे ये मायने नहीं रखता कि आप दस साल तक नरक से गुजरते हैं आप बस वही करें क्योंकि आपकी खुशहाली वही है जब आप बाध्यता के अलग अलग स्तरों पर होते हैं उस समय अगर आप निर्णय लें कि किधर मुड़ना है तो आप अंतहीन रूप से खो जाएंगे ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं बस आप उसे दृढ़ता के साथ कर रहे हैं हर दिन आप ऑफ एंड ऑन ऑफ एंड ऑन रहते हैं तो वो नहीं होता आप बस दृढ़ रहिए आप बस एक बिंदु पर टिके रहिए चाहे वो कुछ भी हो अगर आप कसाई बनना चाहते हैं तो कसाई बनने पर अटल रहिए, ये खुल जाएगा एक क्षण के लिए भी ढुलमुल मत बनिए आपने स्पष्टता और खुशी के क्षण में जो निर्णय लिया है बस उस पर टिके रहिए जरा सा भी हिले डुले बिना उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं इधर उधर उड़ते रहते हैं आप अपना मन बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं आप गोल गोल घूमते रहेंगे अंतहीन रूप से गोल गोल घूमते रहेंगे क्योंकि जो अक्सर दिशा बदलता है साफ है कि उसे कहीं भी जाने में दिलचस्पी नहीं है, है ना आप जानते हैं कि ये, ये दुनिया गोल है इसलिए आप किस दिशा में जाते हैं ये मायने नहीं रखता जब तक कि आप दिशा बदले बिना चलते रहते हैं आप सफर को पूरा करेंगे है ना आप यात्रा पूरी करेंगे है ना अगर आप अपनी दिशा बदलते हैं तो ये आपको एक अनंत हमेशा खोए रहने की एक अंतहीन स्थिति में डाल देगा तो अगर आप वहां होना चाहते हैं वहां रहिए है। कोई समस्या नहीं है आप यहां होना चाहते हैं यहां रहिए है। रोज रोज अपना मन मत बदलिए सुबह एक और शाम को दूसरी ओर आप अपने लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए एक यातना है जो लगातार अपना मन बदलता रहता है वे अपने और अपने आसपास हर किसी के लिए एक यातना है, है ना अभी आप सोच रहे हैं कि कल मैं अपना योग करूंगा कल सुबह एट क्लॉक इन द मॉर्निंग सुबह पांच बजे सुनते हैं मैं रोज उसे सुनता हूं मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग उसे सुनते हैं जैसे ही वो डोंग होता है शायद हमें ड्रम बजाना चाहिए फिर आपका शरीर कहता है भाड़ में जाइए योग मैं बस ये चाहता हूं वो बदलता रहता है प्राथमिकताएं बदलती 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 रहती हैं जीने का एक और तरीका है जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां आपके जीवन के सबसे बड़े सुख ऐसे लगेंगे जैसे एक चीटी के सुख की तरह लगेंगे ये जीव इसमें सक्षम है जब बात शरीर और दिमाग की आती है तो हम सभी अलग रूप में सक्षम हैं। दो शरीर बराबर सक्षम नहीं होते नहीं दो दिमाग बराबर सक्षम होते हैं लेकिन जब इस जीव की बात आती है तो हर जीव बराबर सक्षम है अपने भीतर अस्तित्व को समेटने में वैज्ञानिक कहते हैं कि यह लगातार फैल रहा है उसे कैसे समेटना है यही सारी सुंदरता है endless, जो अंतहीन है शाश्वत है जो असीम है और जो लगातार फैल रहा है उसे इस जीव में समेटा जा सकता है इस मामले में दो जीव अलग अलग क्षमतावान नहीं होते हर जीव बराबर सक्षम होता है ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिशा बदलते रहते हैं जब भी आपको एक छोटा सा कोना मिलता है जो आरामदेह है आप वहीं रहने की कोशिश करते हैं इस सभ्य होने की कोशिश ने आध्यात्मिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है ये जरूरी नहीं है मगर मैं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर आप नोमैड होते आप नोमैड का मतलब जानते हैं इसका मतलब है कि आप मैड नहीं हैं। तो कौन नोमैड नहीं है जो मैड है जो मैड यानी पागल है वो टिक जाता है जो मैड नहीं है वो चलता रहता है चलता रहता है कहीं भी ठहरता नहीं है जैसे ही हम नोमैड होना बंद हुए तो हम सुरक्षा और कुशलता के एक पागलपन में पड़ गए चाहे वो शारीरिक हो मनोवैज्ञानिक हो या भावनात्मक हम हमेशा उस कोने की तलाश में रहते हैं जहां हम आराम से सो सकें और एक बार आपको वो कोना मिल जाता है और वो बहुत बढ़िया और आरामदेह हो जाता है तो आपके अंदर बाहर निकलने और फिर से यात्रा करने की हिम्मत नहीं होती तो अगर आप सिर्फ़ एक पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ठीक है वो ऐसा ही लगता है जब हम अगर आप वेलंगरी पहाड़ की चढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित दूरी तक चढ़ाई करनी पड़ती है जहां आपके घुटने चटक रहे होंगे और आपकी सांस भाप के इंजन की तरह लग रही होगी you know, फुश फुश हो आप चारों ओर देखते हैं और बांस, खूबसूरत चट्टाने आपके आसपास के बांस और सब कुछ बहुत शानदार लगता है घाटी इतनी सुंदर है एक और कदम उठाने का मकसद क्या है यह शानदार है बस आपका दिमाग आपसे कहता है बस यही है मैं जगह की सुंदरता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं वहां मौजूद होने के सुख पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मगर अभी यह तर्क आया है यह नया तर्क आपके अंदर आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके फेफड़े एक स्टीम इंजन की तरह काम कर रहे हैं और आपके पैर एक जंग लगी बैलगाड़ी की तरह आवाज कर रहे हैं तो नया तर्क आएगा क्या आप देखते हैं कि हर बार आप जिन अलग अलग स्थितियों में पढ़ते हैं सुविधा या असुविधा की अलग अलग अवस्थाओं में पढ़ते हैं तो आप एक नया तर्क गढ़ लेते हैं क्या आपने इस पर ध्यान दिया है जैसा कि कहा जाता है जब आप छात्र होते हैं तो हर कोई कम्युनिस्ट होता है जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी होती है और आपको नौकरी मिलती है आप समाजवादी बन जाते हैं और शादी होते ही आप पूंजीवादी हो जाते हैं आपकी नई स्थितियों सुविधा या असुविधा के अलग अलग स्तरों के अनुसार तर्क के नए स्तर आएंगे तो ऐसा होता रहता है इसलिए स्पष्टता और खुशी के एक क्षण में जब आप वहाँ मौजूद होते हैं आप किसी चीज को देखते हैं जिसमें आपको अपना कल्याण दिखता है आप उस पर डटे रहिए कल आपको वो भयानक लगे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर डटे रहिए वो नरक जैसा महसूस हो आप उस पर डटे रहिए यही खुशहाली है अगर आप दिशा बदलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे